What is up everybody, this is Guy Varia Jay. Welcome back to my channel guys. So ladies and gentlemen, boys and girls, आज जो snake मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मतलब माशा अल्लाह क्या दिखता है वो snake. तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत snake है वो, और आप देखेंगे तो आप भी कुछ ऐसा ही करेंगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है वो snake. तो उस snake को आज हम देखेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा खूबसूरत होने के बावजूद उसका नाम बदनाम है. और उसका नाम इस वजह से बदनाम है क्योंकि वो लोगों का माथा फोड़ देता है, लोगों की खोपड़ी खोल देता है. तो इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं वो हम देखेंगे वीडियो में. तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको सीधा उस खूबसूरत से स्नेक से रूबरू कराता हूँ. तो चलिए मेरे साथ देखते हैं. ऑलराइट गाइस, तो इस वक्त आप जिस खूबसूरत हसीना को मेरे हाथ में देख रहे हो उसे ग्रीन वाइन स्नेक और लॉन्ग नोज व्हिप स्नेक के नाम से पहचाना जाता है. आप देख सकते हैं फिलहाल ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है और यही इनका नेचर है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है ये. और ये जो ग्लव्स है, मुझे पता है कि ये बाइट प्रूफ ग्लव्स नहीं है, लेकिन इसके सामने ये बाइट प्रूफ ग्लव्स का ही काम करेंगे. लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये बाइट ना ले क्योंकि इसे तकलीफ होगी, हमसे ज़्यादा इसे तकलीफ होगी. देखिए अभी इसने स्ट्राइक ली थी मेरे ऊपर. तो गाइज, इसके अगर हम बिहेवियर की बात करें और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक ड्यूरेनल स्नेक है, यानी कि एक दिनचर सांप है. तो ये दिन में शिकार करना पसंद करता है. तो इसकी बॉडी देखिए आप किस तरह है, बहुत ज़्यादा पतली होती है. और देखिए ये अपना एरो जैसे हेड को किस तरह मुंह खोल के मुझे चेतावनी दे रहा है कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें काटूंगा. और ये एक अर्बोरियल स्नेक है, यानी कि ये आसमान की ऊंचाइयों में रहना पसंद करता है. और गाइस अभी मैं आपको इस स्नेक की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ, जो कि है इसकी आँखें. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं. तो गाइस ये एक ओनली स्नेक स्पीशीज है जिसकी आँखों में हॉरिजॉन्टल प्यूपल्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं येल्लो कलर की पूरी आइज है और जो ब्लैक कलर के प्यूपिल्स है वो हॉरिजॉन्टल है. और इसका हेड भी आप देख सकते हैं बिल्कुल एक एरो की तरह होता है, रेडी टू स्ट्राइक रहता है ये हमेशा. तो इसके आंखों के बारे में और एक खास बात है कि इसको बाइनोक्युलर विजन प्राप्त हुआ है, यानी कि इसे सब चीज़ें फोकस्ड होकर दिखती है, जूम होकर दिखती है, जिससे कि इसे शिकार करने में बहुत सारी आसानी होती है. और इसके शिकार में छोटे छोटे जो मेंढक है वो आते हैं और जो लिजार्ड्स वगैरह है वो आते हैं इसके मुख्य आहार में. और ये स्नेक ऐसा स्नेक है जो कि बाइट करने से बिल्कुल भी नहीं डरता, ये बेक ऑफ होकर बाइट कर देता है अगर इसे खतरा महसूस हुआ तो. इसकी बॉडी पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पास से देखिए ज़रा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक और वाइट कलर के जो स्केल्स हैं. तो जब ये गुस्से में आ जाता है तो पूरे शरीर को फुला लेता है और तो उसके ये जो स्केल्स है वो दिखाई देते हैं हमें. और दोस्तों वाइन स्नेक जो है वो विविपरस होते हैं, यानी कि ये जो यंग वंस है उनको डायरेक्ट बर्थ देते हैं, ये एग्स ले नहीं करते, ये यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ देते हैं. और इनका जो रिप्रोडक्शन है तो ये जो है डिलेड फर्टिलाइजेशन की भी कैपेबिलिटी रखते हैं अपने पास. चौक जाने पर ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बेखौफ होकर स्ट्राइक लेता है. ये सब बाइट लेने में बिल्कुल नहीं शर्माता, बहुत अच्छे खासे तरीके से बाइट लेता है. तो चलिए बढ़ते आगे और जानते हैं इस सांप के बारे में जो कुछ मिथ्स है उनके बारे में. तो सबसे पहली जो मिथ्स है तो वो है कि ये बहुत ज़्यादा वेनमस होता है और इसके बाइट से इंसान की 5 मिनट में मौत हो जाती है. तो क्या ये सच है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये जो स्नेक है वो माइल्डली वेनमस होता है और इसके काटने पर जो बाइट की जगह है वहाँ पे थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो सकती है, थोड़ी इरिटेशन हो सकती है और नमनेस आ सकती है जो कि 3 दिन तक रह सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं. और अगर ये आईज, हेड और उसी की तरह कुछ वाइटल ऑर्गन्स पे बाइट ले तो बाइट थोड़ी बहुत सीवियर हो सकती है. तो दूसरी जो मिथ है इसके बारे में तो वो ये है कि ये सिर, खोपड़ी, माथा सब तोड़ फोड़ खोल लेता है. तो क्या ये सच है? तो नहीं, ये भी सच नहीं है क्योंकि दोस्तों ये जो स्नेक है आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डेडिकेट स्नेक है, देख सकते बहुत ज़्यादा प्यारा है ये सांप. तो ऑफकोर्स ये मतलब सिर पे वगैरह अटैक करता है क्योंकि ये पेड़ों पे रहता है. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये पेड़ पे रहेगा और हम कहीं पे चल रहे होंगे तो ये सिर पर ही हमला करेगा, तो जिसके वजह से इसके बारे में अफवाह फैलाई गई है कि ये खोपड़ी फोड़ देता है वगैरह, पर ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता. तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में जो तीसरी मिथ है उसके बारे में. तो तीसरी जो मिथ है उसके अनुसार ये जो इंसान की आँखें वो फोड़ देता है और आँखें निकाल लेता है. दोस्तों क्या ये सच है? नहीं. तो ये भी सच नहीं है क्योंकि ये जो स्नेक है इसका अगर साइंटिफिक नेम भी देखें हम तो इसका जो साइंटिफिक नेम है अहतुल्ला, उसका भी मतलब होता है आई प्लकर. लेकिन ये स्नेक बिल्कुल भी आंखें नहीं निकाल सकता,
इतना सा सांप, आप ही सोचिए किस तरह से ये आंखें निकाल पाएगा। तो ये भी बिल्कुल एक मिथक कहानी है। तो इस सांप के बारे में बहुत सी मिथ्स है और लोग फिर उस मिथ्स के कारण डरते हैं इससे और बहुत बार लोग इसे मार ही देते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा सांप आपके आसपास दिखाई दे तो इसे मारना नहीं है और इसे पकड़ने भी नहीं जाना है, क्योंकि आपने देखा कितना ज़्यादा एग्रेसिव होता है ये स्नेक। तो ये बेक ऑफ होकर बाइट लेता है जैसे कि मैंने कहा आपको, और ये बिल्कुल संकोच नहीं करता बाइट लेने में। तो इसे अभी हम थोड़ी देर में रिलीज़ कर देंगे और रिलीज़ का वीडियो भी हो सके तो मैं डाल दूँगा आपके लिए। तो चलिए अभी इसे पैक कर देते हैं और बाद में इसे रिलीज़ कर देंगे। अभी इसे रिलीज़ करने का वक्त आ चुका है तो यहाँ पे इसे रिलीज़ कर देंगे। तो अभी इसका कैमोफ्लेज आप देख पाएंगे बिल्कुल नहीं दिखेगा, यहाँ पे कहाँ जा रहा है ये। तो गाइज, आज की जो वीडियो है वो पूरी शूट की है क्षिति दा ने, तो थैंक यू क्षिति दादा हमें हेल्प करने के लिए। नो प्रॉब्लम शूट करने में, तो क्षिति दादा हमें हमेशा हेल्प करते रहते हैं वीडियो शूट करने के लिए, तो थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो और ये था ग्रीन वाइन स्नेक, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्नेक पसंद आया होगा और मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जल्दी से आके वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आई होगी तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई हमेशा आता है एक नया ऐसा जीव लेके जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और बहुत ज़्यादा हटके होता है। तो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो। टिल देन लिव एंड लिव फेलेस। तो चलिए गाइज, बाय।